नमस्कार आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस एपिसोड में मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। एक जिंदगी दम तोड़ चुकी थी। पानी की लहरें उस नौजवान की लाश को किनारे तो ले आई थी, लेकिन उसके अधूरे सपने, उसके अधूरे अरमान उसी की तरह मझधार में डूब चुके थे। ऐसा नहीं था कि मौत की यह बाढ़ अचानक से उमड़ पड़ी थी। जिंदगी के दरवाजे पे चेतावनी दस्तक बार बार दे रही थी, लेकिन सुध-बुध खोए दिमाग ने और अंधे जुनून ने इसे अनसुना कर दिया। कई उतार चढ़ाव और अचंभों से भरी यह घटना हरियाणा के सोनीपत में घटी थी। मैं देखती हूं। राम राम मां जी। जी जरा सतीश भाई ना बुला दीजिए। सतीश यहां आओ। तो मां आप वो जगह देख लो, मैं अभी आया। हाँ आप लोग क्या क्या कर रहे? बढ़िया से तना हारी शक्ल तो याद है, फिर तो तने ये भी याद होगा कि यह घर खरीदने वास्ते तने हमारे सेठ से कर्जा ले रखा है। हाँ हाँ मुझे याद है। एक बार और बता दे, अच्छे से याद हो जाएगा। 15 लाख रुपए और पहला किस्त अगले महीने बन रहा है। बढ़िया सर, तुम्हारे सेठ का कर्जा टाइम पे देता रहियो, नहीं तो कहना कि हमारा सेठ नाराज हो जाएगा। और तन्ने तो फिर सुना ही होगा, सारे और साहूकार ने नाराज करने वाला ना तो चैन से जीता है और ना ही चैन से मरता है। अरे तिवारी जी कैसे टैली दिखा दूं बैलेंस शीट, पूरे 20 लाख का डिफरेंस है, साफ दिख रहा है। परचेसिंग में आपने काफी हेरा फेरी की है, कंपनी के पैसों से अपना जेब भर रहे हो आप। लेकिन नया घर तो आप ले रहे हो। क्या मतलब? मतलब की तो दुनिया होती है शर्मा जी, और हमाम में तो सब नंगे होते हैं और दूध के दूल्हे तो आप भी ना हो। एक काम करते हैं, मिल बांट के खाते। मैं ना तुम्हारा सारा करतूत जाके खुराना साहब को बता दूंगा, फिर वो जाने। देख सतीश, अकेले तो मैं भी ना डूबूंगा, तुझको साथ लेके डूबूंगा। और ये खुराना बॉस है हमारा, और ये बॉस किसी का सगा नहीं होता, याद रखना ये बात। सतीश ये डेबिट क्रेडिट का पूरा मेरे सामने मत रख, हिसाब किताब का जिम्मा तुम्हें दिया था ना मैंने, कुछ भी कर मुझे मेरे 20 लाख रुपए वापस चाहिए। समय से अकाउंट संभालता हूँ, ये सारा परचेज सारी बिक्री ये तिवारी जी संभालते हैं। मैं ₹10 लाख रुपए थे साहब, मैं वो आपको लौटा दूंगा। और बाकी के 10 लाख के तेरे ताऊ देगा। वो मेरा पार्टनर देगा ना साहब, सतीश देगा। सर ये झूठ बोल रहे हैं सर, इस फ्रॉड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, सर ये मुझे खामखा फंसा रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूं। देख सतीश, हिसाब किताब रखना तेरा काम था, जो तूने नहीं रखा 10 लाख तुझे देने होंगे। बोल देगा या बल्ली से तुझे भी नंगा करवाऊं। सर यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया सर, ये गलत है सर, सर ये गलत है सर, मैं बोल रहा हूं। ए बावड़ी पूछ, 10 दिन में 10 लाख रुपए यहाँ ला दे, मुनक्तरी बैलेंस फाइल ना क्लोज कर दूंगा। जा। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। सतीश शर्मा मानो जैसे किसी चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा था। एक तरफ उसके लेनदार उसके पीछे पड़े हुए थे और दूसरी तरफ उसका बॉस विकास खुराना। विकास खुराना की भी अपनी एक कहानी थी जो इस केस को और पेचीदा बना रही थी। विकास खुराना का दिल अपनी स्टाफ के एक एम्प्लॉय पे आ चुका था जिसका नाम था मीतू।
अब सॉरी सर, आप है वो, मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? कोई भूत होते है? मेरी शक्ल इतनी डरावनी लगती? नहीं वो नहीं ना। लेट सेलिब्रेट, इसी बहाने आज डिनर करते साथ में। डिनर क्यों? किसी और के साथ प्लान है? नहीं। तो फिर चलो साथ में डिनर करते, फिर तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सर फॉर द डिनर। हाँ देखो, मैं तो मैंने तुमको कितनी बार समझाया। अरे ये सर सर बोल के ना मेरा सर मत खाओ। अरे मैं बॉस हूँ तुम्हारा, कोई टीचर नहीं हूँ। चलो अब बताओ अब कहाँ जाएंगे? अब कहीं नहीं सर, और वैसे भी कल सुबह ऑफिस भी आना है। अरे उसकी फिक्र मत करो तुम। अगर तुम देर से आई ऑफिस में तो मैं क्या पगार में से पैसे नहीं काटूंगा तुम्हारे। वो मेरा विजयनगर वाला फ्लैट देखा तुमने? वहां चल जाए, बहुत मजा आएगा। चल सर। मगर मगर गया पानी में, तुम बैठो गाड़ी में बैठो। सर बहुत दुख रहा है। कौन है? कौन है? रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूं सतीश। कल रात की उतरी नहीं अभी तक ना? देखा मैंने तुम्हें गाड़ी से उतरते। विकास खुराना के साथ शट अप सतीश, ऐसा कुछ नहीं है। विकास सर ने मुझे डिनर के लिए पूछा, मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और फिर ड्रिंक के लिए गए। और अपने बॉस को कोई कैसे मना कर सकता है? और तुम तो उनका टेंपर जानते हो। हाँ उनका टेंपर जानता हूँ, लेकिन लगता है तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने तुम्हें हमारे ऑफिस में इसलिए नहीं जॉब दिलवाई कि तुम हमारे बॉस के साथ अय्याशी कर सको। क्या क्या कहा तुमने? मुझे ना तुम्हारा ये ओप से बैठे तो बिल्कुल नहीं पसंद, समझे तुम? हाँ हाँ, अब तो मैं पसंद नहीं हूँ, राइट? हाँ नहीं पसंद, खुश। कितनी आसानी से कह दिया मीतू। मीतू मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है, और आज जब मैं इतने स्ट्रेस में हूँ, तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मीतू तुम इतनी बदल क्यों गई हो यार? इतनी हट क्यों कर रही हो? ऐसे मत करो यार मीतू। बस करो तुम्हारा ये मेलोड्रामा, घुटन होती है मुझे तुम्हारे साथ, और बेहतर यही होगा कि तुम ना मुझसे दूर रहो, समझे तुम? मीतू प्लीज लिसन, मीतू इस केस से जुड़े सभी किरदारों को कई दफा दस्तक मिली थी कि उनके उठाए हुए कदम उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकते, लेकिन वो फिर भी धैर्य से जी रहे थे। दूसरी तरफ सतीश को दी हुई मोहलत उसके लेनदारों से और विकास से खत्म हो रही थी, माहौल बिगड़ने वाला था। तुम्हें झूठा बड़ा प्यारा है, बड़े म्यूजिकल है, देखो ना वैसे। चुन, चुन। विकास तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे। और सजना सवरना तुमसे। मैं कौन सा? मैं बाद में मिलती हूँ। बोलो सतीश, मेरे पैसे कब लौटा रहे तुम? सर यकीन मानिए मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, तिवारी मुझे खामखा बसा रहा है। सर आप मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश। मेरी प्रॉब्लम में नहीं, मुझे मेरे पैसे में इंटरेस्ट है। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन है तेरे पास, उसके बाद तेरे दिन पूरे। ओके सर। अरे
रहा है सतीश भाई? दो महीना से तेरी किश्त बकाया, ना तुम्हें रोकड़ा दे रहा और ना तुम्हारा फोन उठा रहा। अब क्या हम तन्ने उठा लें? मैं तो कहता हूँ इनकी माता जी को उठा लेते। अरे ऐसे मत करो, मैं पैसों की बंदोबस्त कर रहा हूँ, मुझे मुझे दो तीन दिन का मोहलत और दे दो। ये मोहलत की लत अच्छी ना हो बे, पर तेरे लिए चार दिन दिए। ये चार दिन में हम तने एक भी कॉल ना करेंगे, और ना करेंगे चार दिन के बाद, क्योंकि चार दिन के बाद तू तेरा फोन उठाने के लिए रहेगा ही नहीं। कान में तुमने उल्टी की? ये आए कैसे? मुझे क्या पता विकास? ए विकास नहीं, सर बोल, सर। हाँ? चल निकल यहाँ, निकल, खेल ले कपड़े, निकल। विकास, सॉरी, आई मीन विकास सर। मैंने आपको बता था ना मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं। माहौल बिगड़ चुका था, रिश्तों से खिलवाड़ करने वाले अब खुद खेल के मोहरे बन चुके थे, लेकिन शतरंज की इस बाजी में वजीर कौन था और प्यादा कौन, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल था जिसका जवाब हमें ढूंढना था। हमारे केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत तब हुई जब एक मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई। कौन है मिसिंग माजी? मेरी बेटी त्रिशा खुराना, मेरे दामाद विकास खुराना, उसका भी नंबर नहीं लग रहा है। मैं उनके घर भी गई थी, बहुत बार बेल बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा बंद है। साहब, हम वो सामने वाले बंगले के चौकीदार हैं। इस बंगले में जो साहब रहते हैं सुबह 6 बजे जॉगिंग के लिए जाते हैं, वो कल भी गए थे और रोज की तरह सुबह 7 बजे वापस भी आ गए। उसके बाद तो बंगले से बाहर किसी को निकलते नहीं देखा। निशान नहीं है, मुंह से झाग निकल रहा है।
पॉसिबल है कि जहर खा के मौत हुई होगी। विक्टिम के आसपास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुसाइड हो या कत्ल, कोई ना कोई वजह जरूर रहेगी। हमें वो वजह ढूंढनी होगी। तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। यस सर। सर एक मिनट, ये देखिए सर, विंडो खुली हुई है। बंगले की इस पीछे वाली दीवार से किसी का भी फांद कर अंदर आना और जाना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब इस रास्ते से भी कोई भी बंगले के बाहर जा सकता है। सुबह विकास खुराना जॉगिंग के बाद घर पे आता है, उसके बाद घर से बाहर नहीं जाता है। उसके बाद उसकी बीवी की लाश मिलती है। विकास का कुछ अता पता नहीं, उसका मोबाइल भी स्विच्ड ऑफ है। हो सकता है अपनी बीवी को मार कर वो यहाँ इस रास्ते से भागा। पॉसिबिलिटी है सर। इस कमरे की अलमारी खुली पड़ी है और ज्वेलरी बॉक्स भी खाली है। अगर चोरी हुई है तो डेफिनेटली सुसाइड केस नहीं है। त्रिशा सुसाइड कर ही नहीं सकती, आखिर क्यों करेगी वो सुसाइड? त्रिशा ने कभी आपसे कोई बात शेयर की अपने पति से, कोई मनमुटाव पैसों को लेकर या कुछ और? कितने साल हुए त्रिशा विकास की शादी को? 2 साल। कोई और एड्रेस जहां पर विकास मिल सकता है हमें? सर विकास के बिजनेस के बारे में तो ज्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ त्रिशा ने बताया था कि 1 साल पहले शहर के बाहर विजयनगर में उसने एक फ्लैट खरीदा है और चौटाला सर्कल के पास उसकी एक ऑफिस है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का उसका बिजनेस है। आप एड्रेस लिख के दीजिए। धीरज तुम विजयनगर का फ्लैट चेक करो, मैं जाकर ऑफिस चेक करता हूँ। अरे इतनी घंटी क्यों बजा रहे हो भाई? सतीश क्या हुआ बेटा? अरे सतीश कुछ तो बोल। सर ये विकास खुराना का फ्लैट है, लेकिन हाँ वो बड़ा ही अजीब आदमी है। एक तो देर रात अपने फ्लैट में आता है और अपने साथ एक लड़की भी ले आता है और सुबह होते ही दोनों चले जाते हैं। क्या यही वो लड़की है जो विकास के साथ आती थी? नहीं सर ये वो लड़की नहीं है। हाँ धीरज बोलो। सर विकास के पड़ोसी का कहना है कि विकास यहाँ विजयनगर के अपने फ्लैट में अक्सर रात को किसी लड़की के साथ आता था। मतलब अफेयर, बीवी का मर्डर हो जाता है, पति गायब, उसके बाद पता चलता है कि पति किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व। अब हमें यह पता करना होगा कि वो लड़की कौन है जिसके साथ विकास का अफेयर। राइट सर। सर हमें क्या मालूम खुराना सर कहाँ होंगे, वो तो कल से ऑफिस नहीं आए। और वैसे खुराना सर के बारे में अगर कोई कुछ ऑफिस में जानता है तो वो है मीतू। मीतू? ये मीतू कौन? त्रिशा जी के मर्डर के बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा सर। कहीं विकास सर के साथ भी ऐसा कुछ, पता नहीं ये सब क्या हो गया सर। तो आप नहीं जानती कि विकास खुराना है का? नहीं सर, मैंने उन्हें कल से ऑफिस में नहीं देखा। लेकिन आपका ऑफिस स्टाफ तो ये कह रहा था कि आप और विकास खुराना। सर ऑफिस के लोगों की आदत होती है, किसी लड़का लड़की को हंसते हुए बात करते सुन लिया तो कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच यही है कि सच तो हम पता लगा लेंगे। आप बस हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। एक काम करो, मैडम का एक अच्छा फोटो लो और धीरज को सेंड करो। ये किस लिए सर? ऐसे रिलैक्स फेस कर लो। हाँ सर ये वही लड़की है। नीतू जी पुलिस और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलते, एक बार बोल चुकी हैं, दोबारा मत बोलो। I'm very sorry sir, ये सच है, मेरा और विकास का अफेयर था। था मतलब? वो एक हफ्ते पहले हम हमेशा की तरह उस फ्लैट में गए थे, पर पता नहीं कैसे विकास की वाइफ त्रिशा को पता चल गया था। त्रिशा ने मेरी बहुत बेइज्जती की, उस दिन के बाद विकास ने मुझसे बात ही नहीं की। तुम्हें पता था विकास शादीशुदा है, उसके बावजूद तुम उससे रिश्ता कायम रख रही थी? नहीं सर, जब अफेयर शुरू हुआ था तब मुझे नहीं पता था, और जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। देर हो चुकी थी या एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए त्रिशा को रास्ते से हटा दी? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन त्रिशा ने हमें रंगे हाथों पकड़ा था उसके अगले दिन मैं गाँव चली गई थी सर। अरे तू आ गई? अरे बोला होता तो मैं तेरे बापू को भेज देती तुझे लेने के लिए। चल जल्दी अंदर। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भूलने अक्सर मुश्किल होता है, मैंने ऐसे कई केसेस देखे,
जहाँ पर लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भूल जाते हैं इस अवैध रिश्ते के जुनून में। सर ऐसा कुछ नहीं, मेरा यकीन कीजिए, विकास से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो गांव जाके मैंने माँ बाप के पसंद के लड़के से सगाई कर ली। सर सरपंच के घर की बहू बनेगी तो सोच तेरे क्या ठाट होंगे, ये तो तेरे लिए बावला है, तेरी हर बात मानेगा। ठीक है माँ, तू बात पक्की कर ले, मैं विनय से शादी करने के लिए तैयार हूँ। काफी तैयारी के साथ आई है, कब हुई थी सगाई? 2 दिन पहले सर। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, त्रिशा के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर ये त्रिशा खुराना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसकी बॉडी में कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं है, उसकी मौत मेटाडेक्सट्रोस नाम की एक एंटी डिप्रेसेंट के ओवरडोज की वजह से हुई थी। मौत का वक्त? सर इस रिपोर्ट के हिसाब से सुबह 6 से 7 बजे के बीच, और सर सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था कि सुबह 6 से 7 बजे के बीच विकास जॉगिंग के लिए गया था। ठीक उसी वक्त गायब हुआ जब उसकी बीवी का मर्डर हुआ। एक और कोइंसिडेंस, या तो एक कोइंसिडेंस है या फिर एक बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि त्रिशा ने वो ड्रग का ओवरडोज खुद लिया या उसे धोखे से दिया गया। सर वो रिसेप्शन पे 2 लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, भेज दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, एक काम कर, उनको जाके ये बोल दे कि मैं कहीं बाहर गया। सर मीतू के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर सामने आया है, इस नंबर पर मीतू की अक्सर बातें होती थी। मैंने पता किया कि यह नंबर किसी सतीश शर्मा के नाम पर रजिस्टर है, और जब मैंने खुराना के ऑफिस में जाकर इस सतीश के बारे में पता किया तो पता चला कि ये सतीश खुराना के ऑफिस में एज एन अकाउंटेंट काम करता है, और ये भी सामने आया है कि मीतू को भी खुराना के ऑफिस में सतीश ने लगवाया था। ये मीतू अभी सच नहीं बोल रही, बुलाओ उसे वापस। ओके सर। गलत है ये, क्या छुपाया मैंने? आपने मुझे विकास के बारे में पूछा, मैंने आपको बता दिया, आपने मुझे सतीश के बारे में पूछा ही कहां? अब पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ सतीश शर्मा को, कलीग है मेरा, पास ही के गांव का है, इनफैक्ट ये जॉब भी मुझे उसी के वजह से मिली, दैट्स इट। मैंने आपको अपने काम वाली के बारे में नहीं बताया, वो भी बता दूं क्या? क्या रात रात भर अपनी भाई से बातें करती हो तुम, सीधी तरह से सच बताओ। हाँ सतीश मेरा बॉयफ्रेंड था, 2 साल का रिलेशनशिप था हमारा, और फिर ब्रेकअप हो गया। क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही? सतीश शर्मा से ब्रेकअप करने के बाद अपने बॉस के साथ अफेयर करने लगती है, ये देखकर सतीश को बड़ा गुस्सा आया होगा ना तुम्हारे बॉस पर? शायद, हो सकता, मुझे नहीं पता। अब मैं जा सकती हूँ सर? त्रिशा की मौत की तहकीकात हमें विकास और मीतू से होते हुए सतीश शर्मा तक ले आई थी, लेकिन सतीश हमारी इस केस की कड़ी बनने के बजाय एक और रहस्यमय परत बनने वाला था। सतीश सर तो आज ऑफिस आए ही नहीं, और कल भी काफी जल्दी चले गए थे। सतीश का नंबर भी स्विच ऑफ है। सर कल सतीश सर से मिलने के लिए 2 लोग आए हुए थे, और जैसे ही ये बात मैंने उनको बताई वो एकदम घबरा गए थे। सर कौन थे वो 2 लोग? ये तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत खतरनाक दिख रहे थे सर। त्रिशा की मौत और सतीश का गायब होना, कहीं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं? सर मुझे लगता है जो लोग सतीश को ढूंढ रहे थे हमें उनके बारे में पता करना चाहिए, हो सकता है उन 2 लोगों को सतीश ने विकास को मारने की सुपारी दी हो। वो लोग मारने तो गए हो विकास को, लेकिन त्रिशा भी वहां पर मौजूद थी, इसलिए उन्होंने त्रिशा को भी मार दिया, शायद कोलेटरल डैमेज। कहीं सतीश इस क्राइम का मास्टरमाइंड तो नहीं? हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को एक सीधी दिशा नहीं दे पा रहे थे, शक का कोहरा इतना गहरा था कि हम सच नहीं देख पा रहे। त्रिशा मर चुकी थी, विकास गायब, सतीश शर्मा भी गायब, क्या वाकई में सतीश शर्मा और मीतू ने मिलकर ये जाल बिछाया? शर्मा पीछे हटाओ सब, पीछे हटिए आप। सतीश सतीश शर्मा को क्यों मारा गया?
गई सतीश शर्मा और त्रिशा के मर्डर में कोई कनेक्शन तो नहीं है? सर, पेट्रोलिंग टीम को पॉइंट से 8 किलोमीटर दूर सतीश की बाइक मिली है। लगता है पूरी प्लानिंग के साथ सतीश को मारा गया। सतीश को पहले सोनीपत इतनी दूर किसी बहाने बेला फुसला कर बुलाया गया होगा और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। एक काम करो, एक पेट्रोलिंग टीम को पॉइंट के किनारे भेजो और उस पूरे एरिया को स्कैन करो, और एक टीम को ढाबे और पेट्रोल पंप पे भेजो। शायद किसी ने सतीश को किसी के साथ देखा। ओके सर। यहाँ कब तक पड़े रहेंगे? ये पुलिसिया हर जगह सूंघता घूम रहे हैं, और इस वक्त कहीं बाहर निकलना ना खतरे से खाली ना है। ये सतीश शर्मा तो मरने के बाद भी चैन से जीने ना दे रहा है। हम उन दो गुंडों को ढूंढ रहे हैं, क्या उसके अलावा किसी पर शक है आपको? पूरी जिंदगी एक घर का सपना देखा था, वो घर बनाने वाला ही छोड़कर चला गया। अब उस घर का क्या करूं मैं? सतीश ने कभी बताया ही नहीं कि उसने इतना बड़ा कर्जा लेकर वो घर खरीदा था। एक घर सतीश ने हमारे सेठ के पैसों से लिया है। अब सतीश मिस्टर इंडिया हो गया, इसका मतलब ये ना है कि हम अपने पैसे भूल जाएंगे। बेटे का कर्जा है माँ जी, माँ को तो चुकाना ही पड़ेगा। और समझदार इसी में है कि चुपचाप अपने बेटे को बोल दूं कि अपने बिल से बाहर आ जाए, वरना जल्द से जल्द सतीश शर्मा की कॉल रिकॉर्ड कर लो लोकेशन के साथ, और उसकी पर्सनल चीजें और घर को चेक कर, पता तो चले गुंडों का क्या माजरा। ओके सर। सतीश के कमरे से उसका लैपटॉप मिला है, लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। लगता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। साइबर टीम से कहो सतीश का लैपटॉप अनलॉक करें, और उसके ऑफिस कलीग से भी बात करो। ओके सर। सर, मैंने सतीश के ऑफिस में वहां स्टाफ के कुछ लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि विकास खुराना के बिजनेस में उनके स्टोर मैनेजर नवीन तिवारी ने 1 महीने पहले कुछ घपला किया था। ये घपला पकड़ा तो सतीश ने, लेकिन उल्टा नवीन ने सतीश पे इल्जाम लगा दिया कि इस घपले में वो भी उसके साथ शामिल था। मेरे पास 10 लाख रुपए थे साहब, मैं वो आपको लौटा दूंगा। और बाकी के 10 लाख के तेरा ताऊ देगा। वो मेरा पार्टनर देगा ना साहब, सतीश देगा। ए, बोलना। सर, ऑफिस के लोगों का ये भी कहना है कि सतीश एक सीधा साधा इंसान था, बेवजह उसको इस फ्रॉड में फंसाया गया था। बल्ली भाई ने बेकार में पेल दिया साहब। दरअसल पूरा गबन इस सतीश शर्मा ने किया था साहब, उसको घर लेना था साहब, उसी चक्कर में ये ईमानदार अभी फंस गया साहब। अपनी ईमानदारी का ढोंग बंद कर और ये बता, 2 दिन से कहाँ था तू? सब आधा शरीर टूटा फूटा है साहब, अब इस हालत में कहाँ जाऊँगा साहब? घर में बैठा हूँ, अपनी फूटी किस्मत को रो रहा हूँ साहब। बंद कर अपनी नौटंकी, सच सच बोल। सर, जो लोग कर्जा वसूली के लिए सतीश को धमका रहे थे वो पकड़े गए। दोनों को थाने लेके आओ। ओके सर। तो तुम दोनों सतीश शर्मा के पीछे पड़े हुए थे? हाँ हाँ साहब। और क्या करते साहब, सतीश ने हमारे सेठ से 15 लाख का कर्जा ले रखा था, और साहब 2 महीने से उसने किस्तें भी ना दी थी, ऊपर से 10 लाख रुपए और मांग रहा था। और साहब हमारे सेठ ने साफ साफ मना कर दिया और बोला कि जितना भी कर्जा तूने लिया है ना वो जल्दी से जल्दी चुका दे। और साहब सतीश था के टाले जा रहा था, इसे उसे मार कर पॉन्ड में फेंक दिया तुम लोगों ने। साहब, कर्जदार मुर्गी की तरह होता है, हलाल कर देंगे तो अंडा कहाँ से मिलेगा। और साहब हम किसी को मारते मारते ना है साहब, हम सिर्फ डराते हैं ताकि सामने वाली पार्टी रोकड़ा ढीला कर दे। और उस सतीश को तो साहब हमने हाथ भी ना लगाया, सेठ की कसम साहब। ठीक है, जा सकते। दोनों के दोनों पुराने चावल लगते हैं, किसी होशियार आदमी को इनके पीछे लगवा। ओके सर। और हाँ सर, ये सतीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सतीश की बॉडी में भी वही ड्रग मिला है जो विकास की पत्नी त्रिशा की बॉडी में था, मेटाडेक्सट्रॉस। मतलब दोनों को एक ही ड्रग से मारा गया है। एक काम करो, सोनीपत के सारे केमिस्टों से पता करो मेटाडेक्सट्रॉस किसने भारी मात्रा में खरीदा। ओके सर। सर, मैं नीकू, त्रिशा, विकास, सतीश इन चारों के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रही थी। एक क्लू मिला है सर, त्रिशा के डेथ के पहले उसने सतीश से बात की थी।
हेलो, आपके विजयनगर वाले फ्लैट में आपका पति किसी और के साथ सुहागरात मना रहे। और सर, जिस दिन ये कॉल हुआ था उसी दिन त्रिशा ने विकास और मीतू को रंगे हाथों पकड़ा। सो पॉसिबल है कि विकास और मीतू की पोल त्रिशा के सामने सतीश ने खोली होगी। अब तो मुझे पूरा शक है कि ये सब कुछ विकास और मीतू ने ही किया है। जी सर, पिछले हफ्ते एक आदमी ने मेटा डिक्सलॉस के 5 स्ट्रिप्स खरीदे थे। ये तो विकास खुराना। एक काम करो, विकास खुराना के फोटो सारे न्यूज़पेपर से सर्कुलेट कर। ये मुझे आदमी जल्द से जल्द चाहिए। ओके सर। सर, जिस रात सतीश का मर्डर हुआ उस रात मीतू सिंह का फोन शास्त्री नगर में एक्टिव था, होटल ड्रीमलैंड के पास। ये देखिए सर। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो उस समय वहां पर कर क्या रही थी। मैं ड्रीमलैंड होटल क्यों गई थी मैं आपको क्यों बताऊं? ये मेरा पर्सनल मैटर है सर। ये पर्सनल नहीं, मर्डर का मामला है मैडम, बोलिए। वो मैं अपने मंगेतर विनीत के साथ गई थी। वो चाहता था कि शादी से पहले हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। तुमने इतने झूठ बोले ना हमसे, तुम पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। सर, मैं सच बोल रही हूँ, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। सर, आप चाहे तो मैनेजर से पूछ लीजिए, आप रजिस्टर देख लीजिए होटल का। 16 मार्च ग्रीनलैंड होटल में मैं 206 रूम नंबर में विनीत के साथ थी। सर जी, सर सर विनीत और मीतू के नाम की एंट्री है और वो लोग रूम नंबर 206 में रुके। ये कुछ गहने बेचने? देखिए सर, नगद का काम सेठ जी देखते हैं, वो एक आध घंटे में आ जाएंगे, तब तक आप रुक जाओ। ठीक है, आप बुला के रखो उनको, मैं आता हूँ घंटे भर में। भाई, तुम्हारा सेठ नहीं आया अभी तक? आ जाएंगे। आप एक बात बताइए, आप जो गहने बेचने आए हैं आपकी बीवी के हैं? मेरी बीवी के हो चाहे पड़ोसी के हो, आपको क्या? आपको गहने खरीदने हैं ना, बोलो पैसे कितने दोगे? कितना देना है कितना नहीं वो हम तय करेंगे पुराना, तभी थाने चलो। सर एक सुना है, बहुत डराता है धमकाता है लोगों को, तो तेरी खाल उतारूं? खाल उतारो उसकी। प्लीज मुझे कुछ मत करो, सब कुछ बता दो। सब बोल, सच बोल। जब त्रिशा ने मुझे और नीतू को रंगे हाथ पकड़ा था तब से वो नाराज थी। हम दोनों में बहुत लड़ाइयां हो रही थी। उस दिन जब मैं जॉगिंग के लिए चला गया, लौट के देखा तो किचन में वो फर्श पे गिरी हुई थी। उसके मुंह से झाग आ रहा था। मैंने उसे हिला जगाने की कोशिश की लेकिन वो मर गई थी। सर मुझे कुछ सोचा ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से भाग चलते, इसकी मौत का इल्जाम कहीं मुझ में ना आ जाए। लेकिन मैंने देखा तो मेरे पर्स में इतने पैसे नहीं थे। मैंने त्रिशा की अलमारी से त्रिशा के सारे गहने उठाए और पीछे के रास्ते से भाग गया। अगर बाकी मैं बेकसूर होता तो चोरों की तरह भागता नहीं तू वहां से। इतनी भारी मात्रा में मेटा डेक्सट्रोस खरीदा क्या? खैरात में बांटने के लिए खरीदा था? मैं सर, वो डर तो मुझे त्रिशा ने लाने के लिए बोला था खुद। तो वही आखिरी बार बात हुई थी उससे मेरे बीच में, लेकिन मैंने पलट के उसके बारे में उससे कुछ पूछा नहीं। मैंने सोचा शायद मैं पूछूंगा तो बुरा मान जाएगी, नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं चुपचाप दवाई ले आया। मुझे क्या मालूम था मेरे हाथों अपनी मौत का सामान मंगवा रही। मेरे अय्याशी की सजा उसने अपने आप को दे दी सर, मेरे अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। चलो एक पल के लिए मान लिया तेरी कहानी सच्ची है, लेकिन सतीश शर्मा की बॉडी में भी वही ड्रग्स पाए गए। तुझे उससे पैसे वसूलने थे ना, इसलिए मार डाला उसे। सतीश, सतीश मर गया? मुझे पता ही नहीं सर, कसम खाता हूँ सर,
मैं तो अपने आप को छुपाने के लिए भाग रहा था सर। इतना भोला मत बन समझा। सीसीटीवी में साफ पता चल रहा है कि तू ही वो है जो ड्रग्स खरीद रहा था। एक ही ड्रग्स से तूने दोनों प्रॉब्लम्स खत्म कर दी। बोल, सच बोल रहा हूँ? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने, सच कह रहा हूँ मैंने किसी को नहीं मारा। हमने विकास खुराना को काफी ग्रिल किया लेकिन वो अपने जवाब पर अटल, लेकिन हमारे सवालों का सिलसिला तब भी चलता रहा और आखिरकार विकास खुराना ने एक ऐसा जवाब दिया जो हमारे इस केस में बहुत अहम साबित हुआ। त्रिशा मेटाडेक्सट्रोस रहती थी, इसके बारे में किसी को बताया था? एक बार मीतू से जिक्र किया था। जी सर, मेटाडेक्सट्रोस के बारे में मुझे विकास सर ने बताया था, लेकिन मैं क्या जानू वो ड्रग सतीश को किसने दिया? कहते हैं आज के जमाने में किसी के कैरेक्टर के बारे में जानना हो तो उसके मोबाइल या लैपटॉप में झांक लो, समझ में आ जाएगा क्या है। लैपटॉप लेके आओ। ये सतीश का लैपटॉप है, इसे हमने अनलॉक किया तो कुछ फोटोज मिले तुम्हारी। ये फोटोज ही वजह है ना सतीश को मारने की? हाँ बोलो। तुम्हारे एक्स लवर कम एक्स बॉस विकास खुराना ने तुम्हारी पोल खोल दी, समझी? सतीश से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर नीतू को थी। वो सर सतीश के पास नीतू की कुछ अश्लील तस्वीरें थी जिसके जरिए सतीश नीतू को ब्लैकमेल कर रहा था। दिल तो कर रहा था कि उसे जान से मार डालो, क्योंकि इन फोटोज के जरिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, ये फोटोज अभी के अभी डिलीट करो। पहले विकास को अपनी जिंदगी से निकालो और मेरे पास वापस आ जाओ। वो कभी नहीं होगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तू? मैंने विकास सर से भी बात की, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी सर, मेरी कोई मदद नहीं की। मैंने आपको बताया था ना मैं प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। अरे यार मीतू, बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे से मजे शेयर करने के लिए मिलते हैं, मुसीबतें नहीं। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है तुम निपटो ना उससे। एनीवे डिनर पर चले। फिर जब विकास की वाइफ ने हमें रंगे हाथ पकड़ा, विकास ने मुझसे सारे रिलेशन तोड़ दिए। विकास, सतीश, जिन दो लोगों पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन दो लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया। उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपना इस्तेमाल कभी नहीं करने दूंगी किसी को भी। अब मैं गांव चली गई। हमारे गांव के सरपंच, उनका बेटा विनीत, वो स्कूल से मुझसे बहुत प्यार करता, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। तुम्हारे उस पार्टनर इन क्राइम के बारे में तो भूल ही गया था मैं, उसे भी बुलाया मैंने। आप ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाना बंद कीजिए, क्या सबूत है आपके पास? होटल रजिस्टर में तुम्हारा और विनीत का नाम लिखा था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है जब होटल मैनेजर को हमने विनीत की फोटो दिखाई उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। क्यों सर? लड़की तो यही थी पर लड़का ये नहीं था। ये लड़का नहीं था? नहीं सर। ये था? हाँ सर, यही लड़का था, यही आया था होटल हमारे। देखो पर्दा उठ चुका, सच उगल दो, वरना हमें अपने तरीके आते हैं सच उगलवाने के। मैं तंग आ चुकी थी ब्लैकमेलिंग से, मुझे छुटकारा चाहिए था, इसीलिए मैं विनीत से शादी करने के लिए राजी हो गई। मैंने विनीत को मेटाडेक्सट्रोस ड्रग लेने के लिए भेजा, क्योंकि एक बार बातों बातों में विकास ने मुझे इस ड्रग के बारे में बताया था। विकास सर प्लीज मेरी बात सुनो। अरे नहीं सुनना मुझे कुछ भी, नहीं तो पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत रायता फैल चुका है। जानती हो मेटाडेक्सट्रोस क्या होता है? डिप्रेशन से बचने की दवाई जो मेरी बीवी खाती है। जब से हमारे अफेयर के बारे में जान गई है उसका बुरा हाल हो गया, इस ड्रग को खाए बिना सो नहीं पाती वो। माफ करना मुझे। मेटाडेक्सट्रोस, और जब मुझे पता चला इस दवा के ओवरडोज की वजह से त्रिशा की जान चली गई और पुलिस का शक विकास पर चला गया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया।
मैंने सोचा कि अगर यही ड्रग सतीश के बॉडी में मिले तो शक विकास पे जाएगा और विकास फंसेगा। मैंने सतीश को फोन किया और उसको कहा कि मुझे ड्रीमलैंड होटल में मिले। शुक्र है तुम मान गए। सच कहो तो तुम्हें ऐसे ब्लैकमेल करके ना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैं क्या करता, मेरे पास तुम्हें पाने के लिए और कोई चारा ही नहीं था। अच्छा ये सब छोड़ो ना, तुम्हें भूख नहीं लगी? इतनी दूर से आए हो, चलो कुछ खा लेते हैं। मैंने चालाकी से उसके खाने में ड्रग मिला दिया। और फिर हम बाइक से सोनीपत के लिए निकल गए। रास्ते में सतीश को नींद आने लगी। मैंने उसे कहा कि वो बाइक साइड में रुके और फिर कुछ देर में वो बेहोश हो गया। विनीत अपनी कार से पीछे पीछे आ रहा था। क्या हासिल हुआ समार के? अगर सतीश की ब्लैकमेलिंग से छुटकारा ही पाना था तो हमारे पास आना चाहिए था। सलाह देना आसान है सर, जो भुगतता ना वही जानता। सही कहा तुमने। अब जब पूरी जवानी जेल में गुजरेगी तब पता चलेगा कि अपने ही हाथों तुम लोगों ने अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। इस केस में ऐसे कई मोड़ आए जब पीड़ित अपने भटकते कदमों को रोक सकता था, लेकिन सतीश ने ऐसा नहीं किया। मीतू को पाने के जुनून में वो मीतू की जिंदगी का कांटा बन गया और अपनी ही जिंदगी से हाथ धो बैठा। मीतू का अपने शादीशुदा बॉस के साथ रिश्ता रखना वो उसका अपना निजी फैसला था, उसे हम नैतिकता के तराजू में नहीं तोल सकते। लेकिन सतीश से छुटकारा पाने के लिए उसने जो कदम उठाया वो सरासर गलत था, और इस जुर्म में उसका साथ दिया एक और जुनूनी आशिक विनीत, जो मीतू के लिए कुछ भी कर सकता था। आखिर प्यार की इस अंधी जुनूनियत में कई जिंदगियां बर्बाद करती। आखिर यही अंजाम होता है जब रिश्ते अपनी दहलीज लांघते हैं और नाजायज बन जाते हैं। इस केस की सच्चाई आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ यही है कि युवा पीढ़ी प्यार और पागलपन के फर्क को समझे। जब कभी अपने आवेश को अपनी सुधबुद्ध पर हावी होता महसूस करें तो एक पल के लिए रुके और आसपास की गूंजती दस्तक को पहचान। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है।